हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज दोस्तों हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है वो है लाफ पैरेललोग्राम फोर्सेस। अगर आपने लाफ पैरेललोग्राम फोर्स नहीं जानते, इसके पहले आपने इसको वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें, ताकि जो मैं न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। दो फोर्स हैं, एक मैंने मान लिया पी है जो हमारा 40 न्यूटन है, और एक हमारा दिया दोस्तों क्यू जो दिया 30 न्यूटन है। ये एक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट पे। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उसका मैक्सिमम मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ये दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपने डिटेल से वीडियो देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब हमारी मैक्सिमम की बात होती है, जब हमारी मैक्सिमम की बात होती है, अगर हमारा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारे फोर्स होते हैं, जो हमारा फोर्स होता है वो पैरेलल होता है। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे दो फोर्स हैं, जो दो हमारे फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, जब हमारे दो फोर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो थीटा है वो कितना होगा, जीरो होगा, जीरो डिग्री। अब जब जीरो होगा तो हमारी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। कहने का मतलब अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो आर इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। अब मैंने कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है, जीरो है या वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड टू पी क्यू, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कितना आर है, अब ये वन बाय टू कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू यानी पी प्लस क्यू आएगा। इससे ये पता चल गया, अगर हमें कोई भी फाइंड करना है फोर्स मैक्सिमम के लिए तो हमारा आर क्या होता है, पी प्लस क्यू होता है। ये हमारा 60वें भी क्वेश्चन एक नंबर में दो नंबर में दोस्तों पूछा जा सकता है। तो पी प्लस क्यू, अब हमें पी की वैल्यू भी पता है 40 है और क्यू की वैल्यू भी पता है 30 है, यानी कितना न्यूटन आ गया हमारा, 70 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया दोस्तों फाइनल आंसर इसका, किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। ओके दोस्तों, ये हमारा मैक्सिमम के लिए है। अब हम बात करते हैं मिनिमम के लिए कि मिनिमम के लिए क्या होगा। अगर मैं बात करूं मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए, ठीक है, मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है, जो हमारे दो फोर्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी जो हमारे फोर्स होंगे, फोर्स आर एंटी पैरेलल। जो हमारे दोनों फोर्स जो है दोस्तों एंटी पैरेलल होंगे इस कंडीशन में, तो हमारा जो थीटा होगा वह कितना होगा, 180 होगा। ये आपको याद रखना है, समझना है। ओके, जब 180 होगा, अब कॉस 180 की अगर हम बात करें 180 की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, -1। जब -1 होगी, सेम कंडीशन, फिर हमने फॉर्मूला लगाया रिजल्टेंट का, आर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू पता है, 180 -1 हो जाएगा, यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू मैं इसे लिख सकता हूं। ओके, आर, अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से P माइनस क्यू इतना हो जाएगा। अब P की वैल्यू हमारी कितनी थी, 40 न्यूटन थी। अब वहां Q की वैल्यू कितनी है, 30। यानी अगर मैं बात करूं आपको शॉर्टकट में, जो मिनिमम फोर्स के लिए R इक्वल टू हमारा कितना होता है, P माइनस क्यू है, तो जो 40 माइनस 30 होगा कितना आंसर आएगा, 10 न्यूटन। यानी ये इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। मैंने आपको ये काफी लंबा समझा दिया, समझाने के लिए अगर मैं इसको 60 में यही आंसर देखना चाहूं तो मैं यही इसका आंसर दोस्तों फाइंड कर सकता था। मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया था, आर इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू। जब हमारा फोर्स पी प्लस क्यू होगा तो एक 40 न्यूटन होगा, एक 30 न्यूटन होगा, ये आपको याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, ये 70 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब मिनिमम की बात कर रहा है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। P की वैल्यू 40 है और ये 30 है, यानी कहने का मतलब 10 न्यूटन आ गया। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा
प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।